Hello, hello, hello. I love lollipop, 1, 2, 3. I love pop pop, 1, 2, 3. I'm your friend Monica Mehta और आज हम enjoy करने जा रहे हैं Dips Broadcasting Channel. Let's start it, okay? जी डियर किड्स, हमारे पास जब नई बुक आती है तो उसको पढ़ने का अपना ही शौक होता है. बचपन में मुझे याद है चंदा मामा, देन चाचा चौधरी एंड देन टिंक टिंकल. इतनी सारी कॉमिक बुक्स होती थी जिनको पढ़कर मज़ा आ जाता था. इजिप्ट में एलेक्जेंड्रियो नाम की एक लाइब्रेरी है. वैसे लाइब्रेरी अपने आप में बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड भर की बेस्ट बुक्स होती हैं. मगर एलेक्जेंड्रियो की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेंच है और वो सीमेंट से बना हुआ है और वो बुक की शेप का है. इतना ही नहीं, वहाँ पर लिखी हुई जो इबारत है आप पढ़ सकते हो, आप उसके ऊपर बैठ सकते हो. और सबसे खूबसूरती उस बेंच की ये है कि वो बुक की शेप जो है वो एक एक पेज दिखाती है, कितना ब्यूटीफुली वो पेज बनाया गया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, आप ज़रूर नेट पे जाइएगा और उसकी पिक्चर ज़रूर देखिएगा. वैसे मैंने भी आपको वो पिक्चर दिखाई है. जी माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कि जितने भी हमारे सुपरमैन हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, लाइक ही मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, देन आयरन मैन, वो जब भी कहीं ऊपर से उड़ के आते हैं तो लैंड करते हैं तो उनका पोजीशन ऐसे होता है, लैंड पे बिल्कुल हाथ रखते हैं. आपको पता है स्क्वर्ल, गिलहरी, वो भी जब पेड़ से जंप करती है तो वो ऐसे ही हाथ रखती है, ऐसे करके फीस के साथ ज़मीन के ऊपर. तो जो सुपरमैन्स हैं वो जैसे लैंड करते हैं ऐसे करके, उस लैंडिंग को कहते हैं स्क्वर्ल लैंडिंग, क्योंकि स्क्वर्ल भी वैसे ही लैंड करती है विद कॉन्फिडेंस एंड विद पावर. जी डियर किड्स, हमारे पास जब नई बुक आती है तो उसको पढ़ने का अपना ही शौक होता है. बचपन में मुझे याद है चंदा मामा, देन चाचा चौधरी एंड देन टिंक टिंकल. इतनी सारी कॉमिक बुक्स होती थी जिनको पढ़कर मज़ा आ जाता था. इजिप्ट में एलेक्जेंड्रियो नाम की एक लाइब्रेरी है. वैसे लाइब्रेरी अपने आप में बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड भर की बेस्ट बुक्स होती हैं. मगर एलेक्जेंड्रियो की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेंच है और वो सीमेंट से बना हुआ है और वो बुक की शेप का है. इतना ही नहीं, वहाँ पर लिखी हुई जो इबारत है आप पढ़ सकते हो, आप उसके ऊपर बैठ सकते हो. और सबसे खूबसूरती उस बेंच की ये है कि वो बुक की शेप जो है वो एक एक पेज दिखाती है, कितना ब्यूटीफुली वो पेज बनाया गया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, आप ज़रूर नेट पे जाइएगा और उसकी पिक्चर ज़रूर देखिएगा. वैसे मैंने भी आपको वो पिक्चर दिखाई है. हाय मंचकिंस, आपने बहुत सारे पावर पैक्ड सेंटेंसेस सुने होंगे. आई कैन डू इट, आई कैन डू बेटर, लेट्स डू इट, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, वी विल डू इट, यस, कीप मूविंग फॉरवर्ड. ऐसे जो अफर्मेशन सेंटेंसेस होते हैं ये वैसे तो कोई वंडर नहीं करते हैं, मगर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप इनको पूरे जोश के साथ कहते हो तब आप पक्का वो काम कर पाते हो. एंड आई कैन डू बेटर, ये एक मैजिकल सेंटेंस है. जब भी आप एक बार सोचते हो तो आपका जो माइंड है वो कहता है येस यू कैन डू इट, और वो जो बॉडी है वो पॉजिटिव चैनलाइज हो जाती है और आप वो काम कर पाते हैं. आपको पता है हमारे आर्मी में भी ऐसे बहुत सारे स्लोगन बोले जाते हैं, जय काली, जय भद्रकाली, कर हर मैदान फतेह, निश्चय कर जीत कर. तो ऐसे स्लोगन्स आप भी अपनी लाइफ में रखिए एंड येस यू कैन डू इट. हाय माय मंचकिंस, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 7 वंडर्स हैं जिसमें ताजमहल भी एक है. एक वंडर है माचा पिचू,
जो कि पेरू में है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इतने बड़े बड़े कि किसी मैकेनिज्म से वो स्टोन वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, मैन्युअली पहुँचे हैं। और उन स्टोन्स जिस तरह से वो खड़े हैं और इतने हैवी टन्स के हैं, उनको देखकर आपको लगता है कि इतनी ऊंचाई पर ये स्टोन्स कहाँ से आ गए हैं। वेल, अगर आप माचा पिचू पेरू में घूमने गए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको घूमना चाहिए बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू डीफेम एनीथिंग, क्योंकि आप उसको डीफेम करते हो यानी कि वहाँ पे ऐसे ही कोई कुछ नाम लिख दिया या गंदगी फैला दी या किसी पत्थर को कोई हार्म करने की कोशिश की, तो आपको वहाँ पर पेनल्टी पड़ सकती है। पेनल्टी ये कि 15 सालों के लिए, फॉर 15 ईयर्स आप माचा पिचू में नहीं आ सकते हैं। So be wise when you're going to Peru. इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, और यही संदेश देता है इटली, जहां पर एक रूल है कि अगर आप थोड़ी मात्रा में कोई खाने की चीज चोरी करते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज चोरी, क्योंकि वहां पर यह माना जाता है कि कोई इंसान बहुत भूखा होगा तभी उसने ये चोरी की है। हुआ वहाँ पर ये कि काफ़ी केसेस आए जहाँ पर लोग चार चार दिन से भूखे थे, उनके पास जॉब नहीं थी, खाने का कुछ नहीं था, और उन्होंने मार्ट्स में से किसी ने ब्रेड, किसी ने चॉकलेट, किसी ने जूस चुराया। तो गवर्नमेंट ने ये वहाँ पर रूल बनाया है कि कोई इंसान जो एक दो दिन से भूखा है और वो वाकई पैनीलेस है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो अगर वो थोड़ी बहुत खाने की चीज़ चोरी करता है, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसिस में उसको सज़ा नहीं मिलेगी, मगर उसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए शॉप लिफ्टिंग की कि वो वहाँ पर चोरी करे, वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो भूख से कोई चीज़ चोरी करता है तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी। वेल डन इटली। देखिए, मेरे पास कुछ नाम है जो कि प्यारे प्यारे दोस्तों के हैं, जो कभी भी नहीं भूलते हमें कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल के लिंक को शेयर करना। तो दीज नेम्स आर सुचेता, सरगुन, राजविंदर, महकप्रीत, इंद्रजीत, हरजोत सिंह मुल्तानी, विनाक्षी, हिमांशी, कमलजीत कौर, मोहित, हरजीत सिंह, गुनबीर कौर, देन अक्षयवीर, आकाशवीर, डोली त्रिपाठी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो 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 मच। बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और प्यार करते रहिए। एंड कीप लिसनिंग दिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल चैनल। आई सी यू टुमारो। बाय बाय। दिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल।
It's Broadcasting Channel.